नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज हमारे साथ आपके सभी के चिरपरिचित डॉक्टर देवेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, जिन्हें जिंदा पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि तिरुपति बालाजी में आखिर ये चर्बी वाला देसी घी आया कहां से, आखिर इसके आने के बाद हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उस हमारे जो जनमानस है, जो सनातनी अपने आप को कहता है, इस सनातनी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर लाने वाले क्या मलेच्छ थे, या इसको इस कार्य को करने वाले बाहर से विदेशी विधर्मी आए थे जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया था, इस बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं हुआ। और यहां तक कि उस चर्बी के लड्डू का इस्तेमाल करने के बाद अब वहां का शुद्धिकरण भी हो चुका है। तो इस विषय में पूरी सिलसिलेवार चर्चा करेंगे डॉक्टर देवेंद्र जी के साथ। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जागो पंच में। डॉक्टर साहब, थोड़ा ये जानकारी दीजिए कि आखिर ये लड्डू जो वहां का जो जिम्मेदारी निभा रहा था, क्या इसके पीछे कोई उसकी मानसिकता ऐसी थी कि वह समाज में लोगों को चर्बी खिलाए या सबका धर्म भ्रष्ट करे, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी कि लोगों को इस तरह के लड्डू खिलाकर सस्ते में ज्यादा फायदा कमाया जाए, इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, धर्म तो कुछ है नहीं जो है जी, पहली बात तो ये जी, इसको आप स्पष्ट समझ लीजिए जी, आपके दर्शक भी स्पष्ट तरीके से समझ लें जी कि धर्म को कुछ नहीं है जी, ठीक है जी जी। धर्म एक मानने का तरीका, एक चलने का तरीका है जी, कि हम किस तरीके से हम चलते हैं, किस चीज की उपासना करते हैं, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। तो जो हिंदू धर्म की बात करते हैं जी, ये कोर्ट ने भी कहा है, ये भाई जीवन जीने की शैली है जी जी, ये कोई हिंदू धर्म जीवन जीने की शैली है, कोई धर्म नहीं है जी। अब बात जहां तक तिरुपति बालाजी मंदिर की है जी, देखिए जो बड़े मंदिर होते हैं जी, उनका एक ट्रस्ट होता है जी, है ना जी जी। ट्रस्ट में उनके पदाधिकारी होते हैं जी, वो कमेटी बनाते हैं कि बाहर कौन सी दुकानें लगनी चाहिए, कौन सी दुकानें नहीं लगनी चाहिए जी, क्या प्रसाद में चढ़ेगा, क्या प्रसाद में नहीं चढ़ेगा, कैसा क्या, तमाम तरीके का वो उनके ट्रस्ट में डिसाइड होता है जी। तो अब लड्डू में जो चर्बी, जो जांच में पाया गया जी कि जो लड्डू था वो चर्बी वाला लड्डू था, आखिर ये आया कहाँ से जी, तो पूरा का पूरा इसका मतलब है वो ट्रस्ट ही जिम्मेदार है इसके लिए? ट्रस्ट, मेरे जो मेरा विचार है उसके लिए तो ट्रस्ट जिम्मेदार होना जी है। जी, तो ट्रस्ट में क्या बाहरी लोग थे या मुस्लिम थे, क्या ऐसे कौन से लोग थे जो मतलब जो हिंदुओं का धर्म ही पत्र भ्रष्ट करना चाहते थे? भाई देखिए जी, आप जो है भीड़ इकट्ठा अगर करनी है आपको जी, तो आपको शूद्र चाहिए जी, है ना जी, एससी एसटी ओबीसी चाहिए जी। और जब ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट में जब पदाधिकारियों को रखना है तो उसमें आपको सवर्ण चाहिए, तो जब उसमें आपको सवर्ण चाहिए, जब सारी जिम्मेदारी सवर्णों की है, तो इसमें शूद्र कहां से जो है बीच में आ गया? शूद्र तो खाने वाला है ना जी जी, शूद्र तो उस दुकान से जो जो मंदिर के बाहर जो दुकानें लगती हैं वो तो वहां से खरीद कर गए बेचारा, वो मंदिर में चढ़ाता है जो है जी जी। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये शूद्र लोग तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये उस ट्रस्ट को पता है कि ये शूद्र तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको कुछ भी खिला दो, ये तो नहीं खाते क्या? हो सकता है ना खाते हो, बिल्कुल खाते हैं, खाते होंगे नहीं, मुझे तो लगता है वो 100% खाते हैं, शूद्रों के लिए व्यवस्था की। आप ही के एक वीडियो में हमने देखा था जो है जी जी, बहुत पहले जी, कि जो ये सब कर्म कांड होते हैं जी, उसमें ब्राह्मण अगर न खाए जो है कर्म कांड में मांस मछली जो है जी, तो शायद 21वीं योनि के बाद वो आदमी पैदा नहीं हो सकता है। हाँ। एक वीडियो में मैंने देखा था, तभी खाते हैं जो है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रहे हैं, खाते हैं जी जी, ऐसा नहीं है। देखिए, इनके जितने भी हैं जी ठेकेदार जी, धर्म के ठेकेदार कह लीजिए या कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार कह लीजिए जी, धर्म भी तो
कंस्ट्रक्शन एक तरीके से जैसे घर बनाते हैं वैसे धन का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है जी, उसमें भी ठेकेदार हैं जी, उसमें ठेकेदार कौन है, यही लोग हैं जी 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 बिल्कुल, उसमें ठेकेदार हम नहीं हो सकते जी, क्यों, क्योंकि हमें तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है ना कि आप जो भीड़ का हिस्सा है आप आएंगे लेकिन आप को सब कुछ वो देंगे जी, आपको वो पैसा भी दे देंगे सब कुछ दे देंगे, लेकिन जब आप कहेंगे कि हमको जो मंदिर में ट्रस्टी बना दो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मंदिर में ट्रस्टी आपका अधिकार है बनना। डॉक्टर साहब मेरे मन में एक बड़ा सवाल है इसके लिए, मैं जब से मैंने इस चर्बी वाले मामले को सुना तो मुझे लगता है कि ये पीछे हो सकता है जब से मंदिर का निर्माण हुआ हो तभी से ये ही चर्बी वाला लड्डू चलता आ रहा है, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा ये घोटाला है, ये बहुत बड़ा गैंग है हुआ जो है गैंग लगता है भाई, ये लोग जो सबसे बड़ी बीफ निर्माता कंपनी है जो है जी अल कबीर के नाम से है वो जी जी जी, और उसका जो मालिक है वो एक हिंदू है जैन से जी जी, ये जैन है कि क्या है, वो एक हिंदू है, फिलहाल एक हिंदू है जी, ठीक है जी, उसने भी चंदा दिया था सरकार को, चंदा सरकार को उसने भी चंदा दिया था जी जी, तो जब वो चंदा देगा जो है तो फायदा नहीं लेगा जी जी भाई, ये समय जो है गिव एंड टेक का सा समय जी, जैसे आपने हमें कुछ दिया तो आप हमसे कुछ फायदा नहीं लेंगे जी, मैं एक डॉक्टर हूँ जी है जी, आप हमें पैसा देंगे तो बदले में आप इलाज हमसे लेंगे जो बिल्कुल 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 अच्छा इलाज लेंगे, खराब इलाज करेंगे तो आप चिल्लाएंगे हमारे ऊपर जी, तो यही है एक तरीके। तो डॉक्टर साहब जैसे ही वहां पर ये चर्बी वाला लड्डू चलाया तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है इस वीडियो को बनाने का, लोगों को तक ये जानकारी पहुंचे कि इतने सालों से चर्बी से लबालब भगवान भी रहे और वहां के दर्शक भी रहे, उनके भक्त भी रहे, उसके बावजूद सारे के सारे ये हुआ कि अशुद्ध हो गया सब, है ना, चर्बी आई तो अशुद्ध हो गया सब, यानी अछूत हो गया सब, यानी अब छूना नहीं चाहिए, वहां से सभी को मंदिर त्याग के चले जाना चाहिए था, क्योंकि यह हमारे सिस्टम में लिखा गया है, कहा गया है, यानी एक जीवित व्यक्ति अछूत हो जाता है उसे हम शुद्ध नहीं कर पाते, अगर ऐसी क्षमताएं हैं कि वहां ये भगवान की मूर्ति को शुद्धिकरण कर ले रहे हैं, आज तक ये पूरे के पूरे ओबीसी एससी को शुद्ध नहीं कर पाए, ये शुद्ध कर लेते तो मैं जानता हूं ये सारा आरक्षण एक बार में खत्म किया जा सकता था, सबको शुद्ध करके ब्राह्मण बना लेते और हम सभी जब ब्राह्मण बन जाते तो एकजुट होकर बाहर के देशों पर भी कब्जा अपना जमाने के लिए निकल पड़ते, क्या इस बारे में क्या कहना है, ये एकाधिकार की लड़ाई है जी, ये असल में क्या है जो हमारी सामाजिक जो व्यवस्था बनाई गई है जी, इसमें एकाधिकार जो है बहुत बड़ी चीज है जी, जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो हर चीज पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है, वो आपको ब्राह्मण जो है नहीं बनाएगा, क्योंकि जब ब्राह्मण बना देगा तो फिर उसके में हिस्सा मांगने भी तो आप आ जाएंगे जो कि वो हिस्सा देना नहीं चाहता, देना नहीं चाहता, लेकिन जहां पे ये हिस्सेदारी नहीं, लड़ने के लिए तो आप हम हैं, लड़ने के लिए आप हम हैं, बाहर से लड़ने के लिए यादव है, चमार है, कुर्मी है, कोयरी है, फलाना दिमागा जो जो भी कह लें, लेकिन ट्रस्ट में नौकरी में कहीं भी जहां पे हिस्सा मांगने की बात आएगी वहां पर आप जो है नहीं, डॉक्टर साहब मेरा उस तरफ ये तो ठीक है, वो एकाधिकार रखे बड़ा थोड़ा बना रहे है ना, लेकिन जहां बड़ा कैसे बना रहेगा जो है ना, नहीं बड़ा कैसे बना रहेगा, जब हम भी ब्राह्मण हो जाएंगे जी जी तो हम तो उसके बराबर आ गए ना, तो बड़ा कैसे बना रहेगा, नहीं ब्राह्मणों में भी छोटे बड़े होते हैं वो, है ना, कोनो लखनौरा सुकुल है, कोई मामखोर सुकुल है, कोई इसी तरह करके उनमें भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, दुबे है, तो चौबे हैं, सब है, चौबे हैं, जैसे उनमें ही एक आता है उसका बेचारे का कुछ नहीं होता, खाली महाबाभन कहा जाता है, महापात्र कहा जाता है, गोस्वामी, हाँ गोस्वामी, ये सब बहुत छोटे गिने जाते हैं, तो इसी तरह, लेकिन ये पूरी देश की भावनाएं तो एक हो जाएंगी, जैसे मैं बात शुद्धिकरण की बात है, जैसे उनमें क्षमता है प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, उनमें क्षमता है, अरे वो पत्थर में भी प्राण डालते हैं भाई, उनमें क्षमता है कि अशुद्ध से अशुद्ध चीज को उनके पास मंत्र है उसको शुद्ध कर लेते हैं, यानी अगर मांस भी खाएंगे तो उसको शुद्ध कर लेंगे, तो उसको भी शुद्ध कर लेंगे, तो इनके पास आज तक ऐसा कोई मंत्र क्यों नहीं आया
कि जो आदमियों को शुद्ध कर ले। अरे इसके विषय में कुछ मंत्र है ही नहीं, यानी वो पत्थर में प्राण डालने का भी कोई मंत्र नहीं है, कुछ मंत्र नहीं है, ये केवल ढोंग ढकोसला है। अच्छा अच्छा, दुनिया को चूतिया बनाने का जी ये धंधा है जो है, ये धंधा है एक तरीके से, मैं कह रहा हूँ धंधा है। हाँ, ये धंधा, वो जानते हैं कि मंत्रों के अंदर जाके ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मंत्रों के अंदर कुछ कह नहीं पाएंगे और बता देंगे कि हम ईश्वर की बात है, शायद इसीलिए कि हम लोग ना समझ पाए। वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन में रहते हैं ना, डेली का डेली जो है डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन में रहते हैं, वो एक धंधा उन्होंने बना रखा है। जहां तक बात आपने करी शुद्धिकरण करने की जो है जी, तो अगर हम भी ब्राह्मण हो गए तो वो किसके ऊपर अत्याचार करेंगे? अत्याचार करेंगे किसके ऊपर करेंगे? हाँ, बात तो ये भी सही है। नहीं, अगर उन्होंने सभी को ब्राह्मण बना लिया, ठाकुर वैद्य बना लिया जी, जी। अत्याचार किसके ऊपर करेंगे? ये मानसिक प्रवृत्ति है, ये अत्याचार करना एक मानसिक प्रवृत्ति है जी, जी। जो महिलाओं के ऊपर इसमें अत्याचार हो रहे हैं, अब जब अत्याचार की बात आ गई तो मैं बात कर लेता हूँ जी जी जी। अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर से रेप हुआ जो है जी, अभी मंदिर में, जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जी जी 21 जनवरी 2024 को जी, इसी साल तो हुई थी। हाँ, इसी साल। वहां पे सफाई कर्मी महिला थी, उससे रेप हो गया जो है जी, बिल्कुल। तो ये अत्याचार ही तो है, अत्याचार एक मानसिक प्रवृत्ति है, एक विचारधारा है, अत्याचार भी एक तरीके की विचारधारा है जी। अब विचारधारा कहाँ से आई ये हम सबको पता है, आपको भी पता है जो बिल्कुल, हमारे विधि शास्त्रियों ने भी, हमारे जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने भी अपराधियों की एक बताया है कि उनका एक आकार विशेष होता है अपराधियों का। हाँ, तो बड़ा अच्छा अध्याय रहा कि भैंसे पे चलते हैं और फरसा हाथ में लिए रहते हैं जी 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 जी, तमाम तरीके की जी सब। हाँ, ऐसी बड़े अध्ययन करके दिए हैं, चार पांच सर होते हैं सबके जो है जी जी, है ना जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये चर्बी वाला लड्डू चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे पूरे देश में, लेकिन चर्चा का विषय बनना, जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म तो छोड़िए, इन्होंने एक, मैं कल वीडियो देख रहा था जो है जी, चंदन टीका धारी जो है थे जो है, बता रहे थे कि जो चर्बी का लड्डू जिन्होंने खाया है उनको शुद्ध करने का भी तरीका बता रहे थे। अच्छा, उनको शुद्ध करने का तरीका, शुद्ध करने का तरीका क्या था, थोड़ा बताइए। बड़ा मजेदार है ये, गोबर लीजिए, गाय का गोबर लीजिए जी जी जी, ठीक है जी, उसमें दही मिलाइए, गेहूं के दाने जो है डालिए, गौमूत्र डालिए जी, तमाम में सब पिस्ता दुनियादारी की चीजें उसमें डालिए और उसको खा जाइए। हाँ, ये इससे तो शुद्धि निश्चित तौर पर शुद्ध हो गए। मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आप वीडियो में भेजिएगा, जरूर दर्शकों को भी दिखाएंगे कि पंचगव्य, पंचगव्य बोलते हैं ना उसको, पंचामृत, 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 इससे शुद्धिकरण किया जाता है। आदमी का जो चर्बी का लड्डू खा लिया है उससे इसको शुद्ध करे। अरे भाई, तुम खुद तो शुद्ध हो नहीं पाए, शुद्ध शरीर से शुद्ध नहीं आदमी, मानसिकता, मानसिकता, आप मानसिकता से शुद्ध हो नहीं पाए। आपकी मानसिकता वही है, गिरी हुई मानसिकता वही है कि ये महिला है, ये आधी आबादी है देश की, भ्राता पिता पुत्र रुगारी पुरुष मनोहर निर्खत रारी है। मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहूंगा कि ये महिला है, ये अत्याचार के काबिल है, ये और किसी चीज के काबिल नहीं है। आपकी मानसिकता अभी तक ठीक हुई नहीं, आप उसी को मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति लिख दी, तुलसी थे, उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, उसी के ऊपर इस देश को चलाने का प्रयास है। तो डॉक्टर साहब, अभी जब मानसिकता की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आई, तो मानसिकता में जिसके गोबर भरा हो, हाँ हाँ सही बात है, यानी मूत्र भरा हो, है ना, जिसके से दिमाग में मूत्र और गोबर भर उठा हो, तो वहाँ सफाई की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है, तब वहां जाके साफ होएगा। जब साफ होएगा तब पता चलेगा कि चर्बी चर्बी है, देसी घी देसी घी है, तो चर्बी को शुद्ध नहीं किया जा सकता। शुद्ध करना ही तो बहाना है। एक चीज हम इसमें आपको बता दें जी, देखिए ये उनको भी पता है, ठीक है ना, अच्छा ये उनको पता है, उनको सब पता है, क्योंकि देखिए हम बता दें, हमारे एक दोस्त है जो है, जब मैं जेल में था तो हमारे एक दोस्त थे सरफराज जाफरी, अच्छा वो रिलीजन कन्वर्जन में आए थे,
अच्छा 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 वो हमसे पहले छूट गए थे। हमने कहा अच्छा सरफराज भाई एक चीज बताइए, सही सही ये जो बड़े का मांस होता है जो उसमें चर्बी होती है, आखिर उसमें क्यों जो है मतलब कि और चीजों में डालते हैं ये? मतलब कि हमने कहा कि आप लोग का जो कबाब वगैरह बनता है उसमें डालते हैं? बोले हाँ डॉक्टर साहब डालते हैं। हमने कहा आखिर क्यों डालते हैं? उनका स्पष्ट कहना था इससे टेस्ट जो है 75% बढ़ जाता है उस चीज का, चर्बी डालने से। ओ अब समझ में आया कि लड्डू क्यों बन रहा था, लड्डू टेस्ट बढ़ रहा, टेस्ट बढ़ जाता है भाई, टेस्ट बढ़ जाता है इससे। वो उनका साफ कहना था कि जो कबाब बनता है उसमें मटन की संख्या जो है, जो सीख कबाब उसमें मटन की संख्या 40% होती है और बाकी जो मावे वो होते हैं जो बनाते हैं 30-40% संख्या 25-30% वो चर्बी की होती है, उसकी होती है, इससे टेस्ट बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है, उनको सब पता है। और जो खाते हैं जो है, आप चले जाइए अमीनाबाद में टुटुंडे कबाबी पे सर्वे कर लीजिए, कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं, आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा ही रोचक विषय आपने बता दिया, बड़ा मजेदार बताया। टुंडे कबाबी एक तेलीबाग में है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी जी यहीं पे आप सर्वे जो कर लीजिए कि कितने हिंदू हैं कितने वो हैं जो है। नहीं अब तो मुझे ये जो आपने कहा तब तो प्रसाद में दैव योग से आया स्वाद लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए। हाँ मुझे भी यही लगता है, ईश्वरीय कृपा बताने के लिए कि आप बाहर और लड्डू खरीदते हो उसमें इतना स्वाद नहीं रहता, लेकिन यहाँ के लड्डू में स्वाद है, यहाँ के ही लड्डू में स्वाद क्यों है? इसका मतलब दैव योग है, वो कुछ नहीं है, वही चर्बी है, दैयोग चर्बी तो कुछ नहीं है, ये सब सबों को सब पता है। अब वो पोल खुल गई है, नहीं अब आज ना पता चला है, जब पता चल गया लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कब से चला आ रहा होगा? जब आज चल रहा है तो कल भी चला होगा, परसों भी चला होगा, 1-2 साल पहले भी चला होगा, 2-4 साल पहले भी चला होगा जो है। डॉक्टर साहब ये मैं तो मानता हूँ कि इनका यही दैव योग है बताने के लिए, जो सब बताते हैं ढोंग करके कि इसमें स्वाद कैसे बढ़ा, इनको पता नहीं था ये पोल खुलेगी, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए दव योग से उसमें चर्बी डाली गई। हो सकता है इन्होंने चर्बी का नामकरण भी कुछ दूसरा रखा है, ये तो लोग जब जान गए, जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम मांस आदि का भोजन करते थे, जब शिकार करते थे तो भोजन करते थे, शिकार करके क्या करेंगे तो जब हिंदी रूपांतर कर रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं राजसिक भोजन किया करते थे। अच्छा मांस जो है राजसिक भोजन है, अब चर्बी भी तो प्रसादिक लड्डू है जो भी कर रहे हैं, प्रसादिक लड्डू प्रसादिक भोज जो भी कर रहे हैं, तो इसको ऐसा बोल के भी वो शुद्धिकरण कर लेते, डलता रहता, भक्तों को स्वाद भी मिला करता, मजेदार बात थी ये। अब इतने अकल होती जो है जी, तब मंदिर में बैठ करके जो है पूजा पाठ करते हैं जी, बहुत बड़ी बात, अकल होती तो IAS PCS नहीं बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम डॉक्टर बन गए, आप पत्रकार बन गए। जी जी जी, जैसे जब बैठ कर खाने को मिले तो काम करने की क्या जरूरत है? बस और क्या, बात वही सही है, आजकल के जमाने में यही चल रहा है। जी जी, चलिए तो साथियों आप सभी ने बड़ी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा सुनी कि चर्बी दैव योग से प्रसादिक भोज्य बना इतने सालों तक, लेकिन आम जनमानस को जब पता लगता है कि वह चर्बी थी तो वह प्रसादिक जो भोज था उसका पर्दाफाश हुआ और आप सभी को पता चला कि हमारे भक्तों ने कितने किलो चर्बी खत्म कर दी लड्डू में के माध्यम से। तो साथियों मैं चाहूँगा कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी हमारे देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, नमस्कार, जय हिंद, जय मंडल।